प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहे हो, गिर गए थे कभी? द बेस्ट वे टू लर्न प्रैक्टिकली, यू नो क्यों? चलो मान लिया, व्हाई? सेंटर ऑफ मास से क्या हुआ? आप सोचो देखो क्या होगा, ऊपर वाले बच्चे की जो जिम्मेदारी होगी अगर दरवाजे को होल्ड करके रखना है, तो आप देखो दरवाजा अगर गिरना, आप अगर दरवाजे को किसी उस फिट कर रहे हो दीवार पे, तो ऊपर वाला जो हिंज है उसको खींच कर रखता है, क्योंकि अगर लुढ़केगा तो ऐसे लुढ़केगा, गिरेगा दरवाजा तो ऐसे गिरेगा ना, तो ऊपर वाला जो हिंज है वो उसको खींचने की कोशिश करता है अपनी तरफ। सर नीचे आ जाओ, ये डोर वाला हो गया था, ये फिफ्थ और सिक्स भी मैंने कर दिया था, तीन क्वेश्चन हमने इसमें से सिर्फ किए हैं आज। और नेक्स्ट पेज, ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा क्योंकि कल मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था। ये डिस्क एक्चुअली नीचे भी आ रही है, रोटेट भी कर रही है, ट्रांसलेट भी कर रही है, ये सॉल्व हो जाएगा। नीचे आ जाइए, इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाना चाहिए क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंक्लाइंड प्लेन पे कंडीशन क्या होता है प्योर रोलिंग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आईटीजेई का किसी समय आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, देयर आर 10 क्वेश्चंस व्हिच आई हैव गिवन, प्लीज आस्क द सॉल्यूशन और द कांसेप्ट इन केस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग, यू कैन ऑलवेज आस्क, आई विल टेल यू द सॉल्यूशन, आई विल राइट द सॉल्यूशन एंड सेंड यू बैक, डोंट वरी। ठीक है सर, क्वेश्चन लैडर इज रेस्टिंग विद वन एंड ऑन वर्टिकल प्लेन एंड वन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इज इट मोर लोकली लाइकली लाइकली टू स्लीप व्हेन मैन स्टैंड्स नियर द बॉटम और एट द टॉप? माय चिल्ड्रन विल फर्स्ट आंसर एंड देन आई विल ट्राई। If there is a ladder, ladder के slip करने के chances maximum कब होता है? जब कोई आदमी bottom की तरफ कहीं stand हो या यहां कहीं stand हो, सोच के बताना, ऐसे lightly मत लो इस चीज को। A केस में ज्यादा likely है slip करने के या B केस में ज्यादा likely slip करने के? Practical experience बता रहे हो, गिर गए थे कभी? The best way to learn practically, you know. क्यों? चलो मान लिया, why? Center of mass से क्या हुआ? अच्छा एक बात बताओ, स्लिप करने के लिए यहां पर फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? स्लिप कैसे, स्लिप जल्दी स्लिप करने के चांसेस कब होंगे? When friction here is less or more? ओके, यहां का फ्रिक्शन किसके किस पे डिपेंड करता है? इसका म्यू, ये बंदा यहां खड़ा हो चाहे यहां खड़ा हो, चाहे यहां बैठ जाए चाहे लेट जाए लेडर पे, म्यू तो फिक्स रहेगा क्योंकि म्यू तो लेडर के मटेरियल और सरफेस ग्राउंड पे डिपेंड करता है, बंदा कहां खड़ा हो तो इस पे तो म्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एन वन, ठीक है, एन वन क्या लिखते हो आप? फ्रिक्शन हो गया म्यू एन वन, और यही फ्रिक्शन ऑफ एन टू के बराबर करोगे, यही फ्रिक्शन एन टू, क्योंकि देखो ये फ्रिक्शन जो लग रहा है लैडर इधर स्लिप करेगा, फ्रिक्शन इधर, ये फ्रिक्शन एफ आर वन एन टू के बराबर हम लोग कर चुके ना आज, ये फ्रिक्शन एन टू के बराबर होगा। ठीक है, आपके उस एक्ट से, जिस एक्ट से यहां का नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा, उस एक्ट से यहां का फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा क्योंकि एफ आर वन इज इक्वल टू एन टू, एफ आर वन इज इक्वल टू एन टू, एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस बराबर होते हैं। कोई भी ऐसा पोजिशन आप लो, मर्जी आपकी, बट बिकॉज ऑफ दैट पोजिशन इफ दिस नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीजेज देन
द फ्रिक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज. अब आप बताओ कि आप यहां रहोगे तब ये नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा या यहां रहोगे तब नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा रहेगा. ए पे रहने पर तो यहां का जब आप यहां रहोगे तो दिस यू आर गोइंग टू प्रेस दिस पॉइंट मोर एंड व्हेन यू रीच हियर यू आर गोइंग टू प्रेस दिस पॉइंट मोर एंड देयरफॉर व्हेन यू रीच हियर द नॉर्मल रिएक्शन इट इज मोर एंड देयरफॉर द यू आर मोर लाइकली टू लैडर इज मोर लाइकली टू स्लिप व्हेन यू आर एट द बॉटम व्हिच इज अपोजिट टू द केस व्हिच यू सेड. सो व्हेन यू रीच हियर इट्स नॉट दैट लाइकली टू स्लिप बिकॉज़ यू आर इंक्रीजिंग द नॉर्मल रिएक्शन हियर दैट नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअली इज directly proportional to the friction over here. ठीक है. N1 is going to be dependent on weight of your weight and this that is remain same. Getting my point? N1 will remain same. N1 तुम यहाँ रहो चाहे यहाँ रहो वो same है क्योंकि N1 किसके किस पे depend करेगा आपका अपना weight और ladder का weight वो तो दोनों direction downward होगा. ठीक है. Next. Please explain how to find direction of normal in the hinge problem. As I told, it's very difficult to find the direction of any hinge, any door. In fact, when I was teaching in school level, when my children asked me a question, ki sir, aapne to dono hinges ka normal reaction same le liya hai, but mujhe aisa lagta hai ki niche wala hinge bechare par zyada load hai upar wale hinge ke comparatively. So I was speechless. क्लास 11th का आप जैसे कोई बच्चा था कि नीचे वाले डोर का जो नीचे वाले हिंज पे जो वेट होता है वो हमेशा ऊपर वाले हिंज से ज्यादा होता है और दोनों का नेचर ऑफ वर्क भी अलग अलग है. आप ध्यान से आप हिंज बन जाओ हिंज को निकालो आपको मैं दो बच्चों को ड्यूटी दे देता हूं. आप सोचो देखो क्या होगा. ऊपर वाले बच्चे की जो जिम्मेदारी होगी अगर दरवाजे को होल्ड करके रखना है तो आप देखो दरवाजा अगर गिरना आप अगर दरवाजे को किसी उस फिट करो दीवार पे तो ऊपर वाला जो हिंज है उसको खींच कर रखता है क्योंकि अगर लुढ़केगा तो ऐसे लुढ़केगा गिरेगा दरवाजा तो ऐसे ही गिरेगा ना. तो ऊपर वाला जो हिंज है वो उसको खींचने की कोशिश करता है अपनी तरफ. ठीक है जरा नीचे वाले हिंज पे जाओ. अगर नीचे वाले हिंज को खींचने की कोशिश कराओगे तो दरवाजा और लुढ़क जाएगा. समझ में आ रहा है. ये हिंज है मैं इसको अगर इसको खींचता हूं मतलब मोबाइल को खींचता हूं इस तरफ तो आपको लगता नहीं कि और घूम जाएगा ये. इसको खींचकर तो मैं इक्विलिब्रियम ले आ सकता था क्योंकि इसको मैं ऐसे नहीं जाने लेकिन इसको खींचकर क्यों नहीं ला सकता. इसको धक्का देकर ले आना पड़ेगा. ठीक है. अब बच्चों आपके एंगल से बताओ अगर आप जो बच्चा नीचे दरवाजा होल्ड करेगा उस बेचारे को दरवाजे को हमेशा धक्का देकर रखना पड़ेगा क्योंकि वो उसे दबा रहा होगा. सो दोनों हिंजेस को आइडेंटिकल लेना गलत है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू. वो तो क्वेश्चन में था इसलिए मैंने आइडेंटिकल ले लिया. क्वेश्चन में दिया था कि अज्यूमिंग बोथ द हिंजेस giving the identical normal reaction. Otherwise, dono hinges ka not only numerical value will change, even the direction will change. Okay, so the answer of this question, it's very complicated. If they are listening me, the hinge direction, the reaction of the hinge direction is going to be, I wrote one line there if you notice that, as and when it comes, as per the given situation. Thank you very much to the hinge. Because hinge is going to play a very abnormal role as far as the direction of the normal reaction and the magnitude is concerned. ठीक है क्योंकि hinge से सिर्फ दरवाजे ही नहीं लगते और बहुत सी चीजें hinge से लगती हैं. दरवाजा तो ऐसे खड़ा हुआ है बहुत सी चीजें ऐसे horizontal भी hinge से लगी होती हैं. तो वहां hinge का reaction भी अलग अलग होगा. ठीक है. Next sir, next question. Why torque acts in backward direction due to normal reaction in pure rolling? I told you because during the pure rolling, the frictional force generate a torque in forward direction. Yaad hai? When I was doing pure rolling, I told you that frictional force generate a torque in this direction and angular velocity of the body is also in the same direction. That means this frictional force is actually going to continuously enhance the rotational motion, whereas this frictional force will always suppress the linear motion. A time will come when the linear motion will come to rest, whereas the circular motion continues to be there. Is it possible? Kabhi nahi ho sakta. That means there must be a torque which check the effect of the torque due to friction. And the only way is take normal reaction little away from the center, little forward.
एंड वंस आई डू दैट नॉर्मल एक्सन का जो टॉर्क होगा दैट विल बी इन विच डायरेक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया एक्स तो इसका टॉर्क इस तरफ हो गया सो वी कैन बैलेंस एंड देयरफॉर एज द लीनियर वेलोसिटी गोज डाउन द रोटेशनल मोशन ऑल्सो गोज डाउन द टॉर्क रिड्यूसेज द एंगुलर वेलोसिटी फ्रिक्शनल फोर्स रिड्यूसेज द लीनियर वेलोसिटी अ टाइम कम्स व्हेन द बॉडी कम्स टू रेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सर द टॉर्क ऑफ अ वेट ऑफ एनी बॉडी अबाउट एनी वर्टिकल एक्सिस इज जीरो इज इट ऑलवेज करेक्ट नहीं तो गलत हिंज की बात हो रही थी अभी थोड़ी अभी याद आ गया मुझे सपोज करो मैं इसको हिंज से यहां फिक्स कर देता हूं ये हुपला को यहां हिंज लगा देता हूं छोड़ता हूं छोड़ने पे क्या होगा बताओ सब लोग बताओ यहां हिंज लगा हुआ है ठीक है ये होगा ना अब जरो इस क्वेश्चन पे ये एग्जांपल लेता हूं इसका वेट कितना एक्ट कर रहा है इस हुपला का ठीक है अब कोई एक्सिस लो जो रोटेटरी एक्सिस हो वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो हॉरिजॉन्टल है टेक एनी वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन एनी लेट अस टेक दिस एक्सिस या यही एक्सिस ले लेता हूं सपोज करो बजाय ये ऐसे ऐसे घूमने के इसको ऐसे घुमाता हूं ठीक है यहां फिक्स कर दो यहां पर ऐसे यहां फिक्स कर ऐसे हिट कर दो इसे तो वेट का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट होगा कोई नहीं होगा ना क्योंकि इसके इस रोटेशन में ठीक है ये जो एक्सिस है ये वेट के पैरेलल हो गया ठीक है दैट मीन सर क्वेश्चन दिखाइए दोबारा आई थिंक दिस जेंटलमैन हैज आस्क अ क्वेश्चन विच मेक्स अस टू एनालाइज दैट द टॉर्क ऑफ अ वेट ऑफ एनी बॉडी अबाउट एनी वर्टिकल एक्सिस is zero is it always correct answer is yes why it is always correct because the weight always acts in perpendicular direction whereas the vertical axis is also perpendicular any vertical axis is always vertical and weight is always vertical and therefore the both are parallel so no question of weight rotating about that next explain rolling motion again why does the body stops ye to ये तो पक गए होंगे बच्चे सुन सुन के शायद बहुत देर से ही मेरा हाथ भी दर्द करने लगा व्हाई द बॉडी स्टॉप्स लेट मी रिपीट सिंस इट्स अ क्वेश्चन आस्क्ड सो आई मस्ट आंसर व्हाई द बॉडी स्टार्ट्स स्टॉप्स आप में से किसी को समझ में आया कोई भी रोलिंग बॉडी रुकती क्यों है व्हाई इट स्टॉप्स हु स्टॉप्स रोलिंग बॉडी बोथ द फ्रिक्शन एज वेल एज नॉर्मल रिएक्शन यूज माइक मौका आ गया सही मौका है normal reaction stops what rotatory motion and friction stops translatory motion and normal reaction if for such case should never pass from the must never pass from the center of mass I have already explained that any other question in question 8 omega is equal to v by r so for sphere 1 v is equal to 0 so omega should also be 0 क्वेश्चन 8 दिखाओ क्वेश्चन 8 जो आज हम लोगों ने किया उसकी बात कर रहे हैं शायद क्वेश्चन ये वाला नहीं एमसीक्यू हाँ आईटीजेई क्वेश्चन 8 हाँ दिखाइए वो वाला वही तो नहीं जो टकरा के वापस आ गया था ओके स्मूथ स्फीयर ए ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी इट कोलाइड्स इलास्टिकली एंड हेड ऑन विद एन आइडेंटिकल स्फीयर बी एट रेस्ट नेगलेक्टिंग फ्रिक्शन एवरीवेयर आफ्टर द कोलिजन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ और ओमेगा ए एंड ओमेगा बी रिस्पेक्टिवली ये तो समझा दिया था मैंने ओमेगा ए विल बी
ओमेगा ओनली बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी कैन नॉट चेंज एंड व्हाई इट कैन नॉट चेंज बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग सो वी कैन नॉट चेंज एंगुलर वेलोसिटी एंड वी कैन नॉट आल्सो चेंज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अदर स्फीयर व्हिच वाज एट रेस्ट बिकॉज देयर आल्सो देयर इज नो टॉर्क एक्टिंग ओके चिल्ड्रन I don't know how much you have understood, but let me honestly tell you that your work is very important after this. You have to do a lot of questions. Rotational dynamics happens to be the end of the mechanics. After here, we start doing so many other things like properties of matter, waves and oscillations, thermodynamics. So probably the kind of knowledge grooming exercise which we started when you started kinematics, that comes to an end here. And that is why this particular chapter includes almost everything which you have done right from the graph, equations of motion, gravitation, and therefore, if you have to do your mechanics to check whether आपको सब कुछ आता है not, always go for the rotational dynamics. कोई भी question उठाओ, start doing it. And therefore, please do all these 10 questions which I have given, and get back to me if you have any doubt. Thank you very much. It has been a lot of entertaining time as well as pleasure to speak to you once again.